जब ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर ऐसे टर्म्स सुनते हैं कि आरबीआई इज डॉविश और द फेड इज हॉकिश और द बैंक ऑफ इंग्लैंड इज न्यूट्रल, बट इन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है? टिपिकली हॉक ऐसा बर्ड है जो एग्रेशन इंडिकेट करता है, वही डव एक ऐसा बर्ड है जो पीस इंडिकेट करता है। आइए जानते हैं कि ये हॉकिश एंड डविश पॉलिसी होती क्या है एंड कब यूज होती है। इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लिंक एक्स। वेन इज हॉकिश पॉलिसी यूज्ड? हॉकिश पॉलिसी तब यूज होती है जब आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो। ये नॉर्मली तब यूज होती है जब इन्फ्लेशन काफी हाई चला जाए। 2022 में जब इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 7.79% हो गई थी, द आरबीआई टर्न्ड हॉकिश एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग द रेपो रेट्स। रेपो रेट को 4% से सीधा 6.5% कर दिया, वो भी सिर्फ 9 महीनों में। हॉकिश पॉलिसी का इंटेंशन होता है टू कट कंज्यूमर स्पेंडिंग, रिड्यूस क्रेडिट एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। When is a dovish policy used? Dovish policy is the opposite of hawkish policy and तब use होती है जब inflation लगातार कम हो रही हो। जब inflation कम होती है तब RBI को credit control करने की या consumer spending की चिंता नहीं होती। In fact, वो तो interest rates को और कम कर देती है to boost growth। सोच ये है कि money को cheaper किया तो consumer spending ज्यादा होगी, demand बढ़ेगी and growth भी। हॉकिश एंड डॉविश पॉलिसी के बीच में भी एक पॉलिसी होती है जिसे न्यूट्रल पॉलिसी कहते हैं। इसमें आरबीआई बस एग्जिस्टिंग रेट्स को मेंटेन करती है एंड इंश्योर करती है दैट देयर इज एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द सिस्टम। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।